बाबा कैल काल भैरव के द्वारा रक्षित और माँ अन्नपूर्णा की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, ऐसे काशी के इस पवित्र कार्यक्रम में आज यहाँ पर जंगम बाड़ी मठ के इस सुप्रसिद्ध वीरस्वर मठ की इस परंपरा में मठाभिषेक का एक कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी का पट्टाभिषेक के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर के आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। यह सच है धर्म के अनुयायी है और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी है। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के उस अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत पंथ संप्रदाय या मजहब, यह हम सबकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आप लोग कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोने से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में पधारे हैं। नमस्ते योगी जी, इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।